नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह और बंसल न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है, इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नितिन अवस्थी, जो नागपुर से जुड़ चुके हैं और जो बैद्यनाथ लाइफ साइंसेज नागपुर महाराष्ट्र में सीनियर आयुर्वेद एवं पंचकर्म कंसल्टेंट है। डॉक्टर नितिन, आपका बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच। तो आज हम बात करने वाले हैं किस तरह से आयुर्वेद की मदद से हम कोरोना का उपचार कर सकते हैं, और आज हम बात करेंगे कि आयुर्वेद से कैसे कोरोना का उपचार किया जा सकता है, जिसके बारे में हमें डॉक्टर नितिन अवस्थी बताएंगे। अगर आप भी इस बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो कार्यक्रम के दौरान सीधे हमसे जुड़ सकते हैं और डॉक्टर नितिन अवस्थी से सलाह ले सकते हैं। हमारे नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर नितिन, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि इस समय कोरोना तेजी से फैल रहा है, इम्यूनिटी का क्या रोल है और वो हमें कैसे प्रोटेक्ट कर सकती है? देखिए, इम्यूनिटी का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। अभी आज के समय में जिस प्रकार से कोरोना फैल रहा है, वो हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी बढ़ा रहा है। जो लोग भी इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं अपने शरीर के अंदर, उनको कोरोना का इम्पैक्ट कम हो रहा है, और संक्रमित तो हो रहे हैं लोग उससे, पर उसको ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, डेथ रेट बहुत कम है। तो इम्यूनिटी का बहुत बड़ा रोल है। जैसे वैक्सीनेशन आपके शरीर के अंदर एंटीबॉडीज़ बनाती है, वैसी इम्यूनिटी भी हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडीज़ बनाती है, जिससे हमारे शरीर को प्रोटेक्शन मिलती है और आने वाले कोई किसी प्रकार के भी संक्रमण से हमारा शरीर सुरक्षित रहता है। बिल्कुल डॉक्टर नितिन, अगर बात करें बच्चों की इम्यूनिटी की, तो बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? देखिए, बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलरेडी उनका शरीर जो है वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाता है और उनको अनेक प्रकार के संक्रमण जल्दी लग जाते हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है। उसको बढ़ाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम उनके डाइजेशन का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि डाइजेशन उनका बहुत पुअर होता है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, आम शरीर में बनता है जो इनडाइजेस्टिव बाइल जूस होता है, जो पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है, उसके कारण उनको बहुत जल्दी इन्फेक्शन लगने के चांसेस होते हैं। तो पहले तो आप उनका जो डाइजेशन है वो अच्छा रखिए, और कफवर्धक जितने भी आहार हैं जो उनको देते हैं वो उसे अवॉइड करिए। स्वीट्स बहुत ज़्यादा मत दीजिए, चॉकलेट्स मत दीजिए, जंक फूड्स अवॉइड करिए। इसके अलावा उनको संतुलित आहार दीजिए, सभी कलरों का फूड, कलरफुल जो फूड्स हैं, कलर और फ्रूट्स हैं वो खिलाइए, फ्रेश फ्रूट्स खिलाइए, ये उनको देना चाहिए। इसके साथ साथ आयुर्वेद में एक स्वर्ण प्राशन की विधि बताई गई है, जिससे कि आप अपने बच्चों को शुरू से, जन्म से लेके तो 16 साल तक आप उसको दे सकते हैं और बच्चों की इम्यूनिटी को अच्छा बना सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं, जैसे कुमार कल्याण रस है या जो आयुर्वेदिक औषधि आनंद भैरव रस है, ये संक्रमण के समय में उनको दीजिए। च्यवनप्राश का बहुत बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं आप, च्यवनप्राश बहुत अच्छा बच्चों की इम्यूनिटी बनाने में मदद करता है। तो जहाँ सकते हो सकता है उनको और ऐसे पॉजिटिव फैक्टर से भी बचाइए जो उनको इम्यूनिटी कमजोर करने में मदद करते हैं। डॉक्टर नितिन, आपने च्यवनप्राश की बात की है, तो क्या गर्मियों में भी इसका उपयोग किया जा सकता है और इसका उपयोग सुरक्षित है गर्मी के मौसम में? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है आपने। बहुत सारे लोगों के मन में अभी यह डाउट है कि क्या च्यवनप्राश का उपयोग गर्मियों में किया जा सकता है। बिल्कुल, च्यवनप्राश का उपयोग गर्मी में किया जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो मुख्य घटक है वो है आंवला, और आंवले की प्रकृति जो है वो शीत मानी जाती है, ठंडा होता है, और अभी इस समय में उसका सेवन करना पूर्ण लाभकारी है हमारी इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए। तो जहाँ तक है आप च्यवनप्राश का उपयोग करिए अपनी इम्यूनिटी को अच्छा बनाने के लिए, और गर्मी में निडर होकर खाइए, कोई उससे तकलीफ आपको नहीं होगी, क्योंकि ये ऐसे कोई इसके अंदर ऐसे द्रव्य नहीं है जो आपकी गर्मियों को बढ़ा देंगे या आपको कोई गर्मी का कोई असर होगा। तो आंवले के का जो फायदा है वो आपको इस सीजन में भी मिलेगा, तो मुझे लगता है कि आपको इस सीजन में भी खाना चाहिए। इसके अलावा भी इसमें ऐसी और बहुत सारी औषधियाँ हैं जो आपके शरीर को शीतल रखने के साथ साथ आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, आपके शरीर को संक्रमण से लड़ने योग्य बना देती है, तो आप बेफिक्र होकर च्यवनप्राश ले सकते हैं। डॉक्टर नितिन, अगर बात करें एक बार कोविड हो जाने के बाद हमारे शरीर में क्या कुछ वो प्रॉब्लम्स होती हैं जो हमारे शरीर को फेस करनी पड़ती है, और इससे कैसे बचा जा सकता है, आयुर्वेद में क्या कुछ है इसके लिए? देखिए, पोस्ट कोविड अभी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस देखने में आ रहे हैं। जैसा कि आपने भी क्वेश्चन किया, लोग सांस लेने की तकलीफ अभी उनको बहुत सारी हो रही है, कमजोरी बहुत ज़्यादा लगती है, शरीर में दर्द बहुत रहता है, या कभी कभी पोस्ट कोविड जो है कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ब्लड विजन हो रहा है किसी को, या किसी को कोई एब्सेस हो जा रहा है, ये बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है। तो इसका सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप नियमित आयुर्वेदिक दवाइयों का सेवन करते रहें। इसके लिए हमारे आयुष मंत्रालय ने भी बहुत अच्छी गाइडलाइन जारी की है, और उसके अलावा भी आप किसी भी अच्छे एक्सपर्ट आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करके आप दवाइयों का सेवन कर सकते हैं। जैसे कि आप हरिद्रा का अच्छा सेवन करते रहें, ये एक बहुत अच्छी मेडिसिन है,
उसको आप दूध में डाल के ले सकते हैं, या इसके अच्छे बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं। च्यवनप्राश आप नियमित इस्तेमाल करिए, अश्वगंधा पाउडर या अश्वगंधा की टैबलेट्स यह आप रेगुलर लेते रहिए, इससे आपके शरीर के अंदर ताकत भी आएगी, इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। इसके अलावा आप द्राक्षा या द्राक्षा रिस ले सकते हैं, ये बहुत अच्छा आपके शरीर की इम्यूनिटी और साथ साथ आपके डाइजेशन को भी इम्प्रूव करेगा। इम्यूनिटी बढ़ाने में डाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है, जैसे जैसे आपके शरीर में डाइजेशन अच्छा रहेगा आपकी इम्यूनिटी अपने आप ठीक हो जाएगी। तो हरिद्रा साथ में आप आंवले का अच्छा उपयोग कर सकते हैं, उसके बाद में आप अश्वगंधा का उपयोग कर सकते हैं, शतावरी अच्छी मात्रा में ले सकते हैं, यष्टिमधु का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी और आयुर्वेदिक ऐसी प्रिपरेशन है, जैसे आजकल बहुत सारे जूसेस लोग घर में यूज करते हैं, तो गिलोय का जूस ले सकते हैं या गिलोय की टैबलेट ले सकते हैं, गिलोय का सत्व ले सकते हैं या आप उसका आंवले का जूस ले सकते हैं। तो इन सारे मेजर्स को आपको बाद में भी करना पड़ेगा, इससे बचने के एक बार हो जाने के बाद जरूरी नहीं कि आप दूसरी बार इसके गिरफ्त में नहीं आएंगे, ये होगा आपको दोबारा भी, पर आपको इससे बचने के लिए, आपको इससे प्रोटेक्शन रखने के लिए आगे भी आयुर्वेदिक दवाइयों का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि यही एक ऐसा माध्यम है जो आपको आने वाले खतरों से, आने वाले पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन से बचा के रखेगा। बिल्कुल डॉक्टर नितिन, अगर बात करें कोविड की, तो कोविड के दौरान और कोविड के बाद आहार कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, एक बैलेंस डाइट कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है और आयुर्वेद इसमें किस तरह से मदद करता है? देखिए, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के हिसाब से आहार बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसे जैसे आहार आप साथ में अच्छा आहार लेंगे, संतुलित आहार लेंगे, तो ही आपको आपकी इम्यूनिटी अच्छी बढ़ेगी। मैंने पहले ही बताया कि डाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है, उसमें आहार का बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि आपको कॉन्स्टिपेशन है, आपकी इम्यूनिटी खराब वहां से भी होना शुरू होगी, तो ऐसे कोई फूड्स न खाएं जिसमें आपको कॉन्स्टिपेशन हो। ऑयली फूड्स, जंक फूड्स, इनका टोटली इस्तेमाल मत करिए। कोल्ड आइटम्स मत खाइए, बहुत ज़्यादा पैक बंद चीज़ें मत खाइए, जहाँ तक हो सकती है कि फ्रेश और अच्छा ताज़ा बना घर का खाना खाइए। साथ में उसमें हर चीज़ रहना चाहिए, जैसे कि आयुर्वेद में बताया गया है षड रसात्मक आहार, छः रसों से मिलकर बना हुआ आहार खाना चाहिए। किसी भी रस जो है षड रसों में, वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उन छः रसों में मधुर, अम्ल, कटु, तिक्त, कषाय और लवण, ये छः रस हैं। इनमें से कोई भी जो रस है वो अधिक मात्रा में नहीं होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। फ्रूट्स का अच्छा इस्तेमाल करें, जहाँ तक हो सकता है वो फ्रूट्स खाएं, ताज़ी हरी सब्जियाँ खाएं, और जो आपको डॉक्टर ने सजेस्ट किया है, आपकी जैसे कोई कोमॉर्बिड है जिसको हाइपरटेंशन है, बीपी है या हार्ट का प्रॉब्लम है, उसके अलावा भी आपको डॉक्टर ने सजेस्ट किया है कि आपको क्या खाना खाना चाहिए, उसको आप पूरी तरीके से फॉलो करें और वैसी ही मेडिसिन लें, वैसी ही दवाइयाँ भी खाएं और उसी हिसाब से अपने आहार को भी बनाएं। और आहार में आपके विटामिन सी की अच्छी इस्तेमाल करिए, प्रोटीन आपके उसमें आहार में होना चाहिए, आपके इसमें जो जितनी भी फाइबरस फूड्स हैं वो होने चाहिए, जैसे कि आपके इसमें चना, आप भुना हुआ चना खाइए, साथ में आप प्रोटीन के लिए आप दूध ले सकते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, आपके अच्छे प्रोटीन के सोर्स हैं। उसके साथ में पीले फल भी खाइए, विटामिन ए भी आपका अच्छा बढ़ा रहेगा। साथ में आप विटामिन सी के लिए, जैसे कि आप मैंने आंवला बताया, या फ्रूट्स में संतरा खा सकते हैं, मौसम्बी खा सकते हैं, इससे भी आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, क्योंकि अभी बहुत बोला जाता है कि जिंक और विटामिन सी खाना चाहिए जिससे इम्यूनिटी बढ़ती है। तो हम नेचुरली उसको लेंगे तो हमारी बॉडी एक्सेप्ट भी जल्दी करेगी, उसका मेटाबॉलिज्म भी जल्दी होगा और हमको फायदा भी जल्दी मिलेगा। डॉक्टर नितिन, अगर बात करें डायबिटिक पेशेंट्स की या हाई ब्लड प्रेशर वाले, तो वो ये जो जितने भी जूसेस हैं उन्हें ले सकते हैं या कुछ जूस अलग से डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी बनाए जाते हैं? बनाए जाते हैं, जैसे आपने अच्छा क्वेश्चन किया है, करेला जामुन जूस बनाते हैं, बहुत सारी आयुर्वेदिक कंपनियां हैं जो इसको बना रही है। करेला जामुन जूस बहुत अच्छा है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, ये न सिर्फ उनकी शुगर को कम करने में हेल्प करता है, बनिस्बत ये उनकी जो इम्यूनिटी है या उनकी जो स्ट्रेंथ है बॉडी की, कमजोरी बहुत हो जाती है डायबिटिक पेशेंट को, या उनमें न्यूरोपैथी डेवलप हो जाती है, रेटिनोपैथी डेवलप हो जाती है, नेफ्रोपैथी डेवलप हो जाती है, उसमें भी करेला जामुन जूस बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। उसके अलावा आप गिलोय का जूस ले सकते हैं, आप आंवले का जूस भी ले सकते हैं, वो किसी कोई नुकसान आपको नहीं पहुँचाता है, जूस किसी भी प्रकार का ले सकते हैं। हाँ, बस आप डॉक्टरी सलाह के बाद ही इसको लें कि कितनी मात्रा लेनी है, कब लेनी है, खाना खाने के बाद लेना है, खाना खाने के पहले लेना है, तो वो डिपेंड करता है कि आप उसको कब लें, ये डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे। जी डॉक्टर नितिन, अगर बात करें जितने भी
ओल्ड एज है या एक तरह से कहा जाए जो बड़े बुजुर्ग हैं घर के, उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या कुछ आयुर्वेद में है, क्योंकि उनको ज़्यादा केयर की जरूरत होती है जिस तरह से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। ज़्यादातर अगर प्रभावित एज ग्रुप है तो वो ओल्ड एज ही है, तो उनके लिए क्या कुछ है आयुर्वेद में, किस तरह से उनकी इम्यूनिटी बढ़ाई जा सकती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है आपने, क्योंकि जेरियाट्रिक इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अभी बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा संक्रमण उन्हीं को फैल रहा है। जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं या 50 साल से ऊपर के लोग हैं, उनको बहुत प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, इसलिए उनको अपनी इम्यूनिटी भी बढ़ानी चाहिए। उसके लिए ऐसा है कि उनको अपना आहार अच्छा रखना चाहिए, साथ में प्रतिदिन योग करें, प्राणायाम करें या मेडिटेशन करते रहें, आयुर्वेदिक दवाइयों का इस्तेमाल करें जिसमें अश्वगंधा जो है वो बहुत अच्छी हेल्प करती है। और इसमें बहुत सारे कई प्रकार के च्यवनप्राश भी हैं, जैसे केसरी कल्प च्यवनप्राश है जो स्पेशली ओल्ड एज पीपल के लिए बनाया गया है, जिससे उनको बहुत अच्छा फायदा होता है और उनकी स्ट्रेंथ के साथ साथ उनकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है। साथ साथ उनको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो कोमॉर्बिड हैं, या मोस्टली इस एज के लोग जो हैं कोमॉर्बिडिटी से ग्रस्त रहते हैं, डायबिटीज़, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, हार्ट का प्रॉब्लम मोस्टली इस एज में ज़्यादा रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप जब किसी चीज़ से ग्रसित हैं तो रेगुलर अपने डॉक्टर से, अपने कंसल्टेंट से अपनी बीमारी के बारे में दिखाते रहें, उसके हिसाब से अपनी मेडिसिन को लेते रहें, कि वो किसी भी चीज़ को डिरेंज ना होने दें, सारी चीज़ें कंट्रोल में रहे और साथ साथ इम्यूनिटी बढ़ाते रहें। योग करें, प्राणायाम रोज करें, उससे आपके लंग्स में एयरवे सिस्टम जो है वो क्लीन रहेगा, आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ी रहेगी, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं बहुत मदद करेगा। तो जेरियाटिक के समय में आपको बहुत ज़्यादा संतुलित रहने की आवश्यकता है, अपने फूड बहुत संतुलित रहने चाहिए, अपनी दिनचर्या बहुत संतुलित रहना चाहिए। इस समय में नींद का भी प्रॉब्लम बहुत होता है, तो कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद होना बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ साथ आपको उतना ही एक्सरसाइज और व्यायाम भी करना है जिससे आपकी बाकी जो शरीर में गतिविधि है, ब्लड सर्कुलेशन है, यह प्रॉपर बना रहे। डॉक्टर नितिन, अगर बात करें डिस्टर्ब स्लीप या इंसोमनिया की, जो प्रॉब्लम ज़्यादातर आजकल युवाओं को भी, युवा भी इससे ग्रसित हैं, साथ ही साथ जो वर्क फ्रॉम होम वाले हैं उनको भी डिस्टर्ब स्लीप से जूझना पड़ रहा है, तो इससे बचाव के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? ये अभी इस समय का बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है और बहुत बड़ी प्रॉब्लम सब में देखने में आ रही है कि लोगों को इंसोमनिया बहुत हो रहा है। उसका कारण है कि बहुत ज़्यादा एंजाइटी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जी रहे हैं हम लोग, क्योंकि जिसको कोरोना हुआ नहीं है वो ये सोचता है कि कोरोना हो जाएगा, और जिसको हो गया है वो सोचता है कि आगे क्या करना है। उसके अलावा वर्क फ्रॉम होम भी जो लोग कर रहे हैं वो भी बहुत स्ट्रेस में वर्कलोड में काम कर रहे हैं, घर पे रह के काम करना उतना एडजस्टेबल नहीं है जो ऑफिस में काम करते थे। उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी लाइफ को संतुलित रखें, अपने को बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल मत होने दीजिए, बहुत ज़्यादा आप अपने जो एंजाइटी का लेवल है उसको कम करके रखिए। उसके अलावा आप व्यायाम अच्छे से करते रहिए, और जो जितने भी जो फूड्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मत करिए। आप घर पे काम कर रहे हैं तो आप इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा, तो चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल मत करिए। और बहुत ज़्यादा अच्छा है कि आप सोने के पहले इसका इस्तेमाल मत करिए, चाय या कॉफ़ी का। उसके साथ साथ जो कोल्ड आइटम्स हैं या बहुत ज़्यादा स्मोकी आइटम्स हैं ये भी आप अवॉइड करिए, ये आपकी नींद को डिस्टर्ब करते हैं। इसके साथ साथ आप योग करिए, बहुत बड़ा फ़ायदा आप करता है, मेडिटेशन करिए और प्राणायाम करिए। आप शवासन करिए सोने के पहले, आपको बहुत फायदा करेगा, अनुलोम विलोम प्राणायाम करिए, और सोने के पहले अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने सर में हेड मसाज कर सकते हैं, बहुत सारे ऑयल्स हैं उसके द्वारा, और बहुत सारी मेडिसिंस भी अवेलेबल हैं अगर आपको आयुर्वेदिक मेडिसिंस, जो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो साइड इफ़ेक्ट फ्री हैं और जिनकी हैबिट भी नहीं लगती है। बट उससे ज़्यादा मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अपनी लाइफस्टाइल को सुधारें, अपने को स्ट्रेस फ्री रखें, अपने को एंजाइटी फ्री रखें। जो समय चल रहा है वो ओवरकम होगा, हम उसे जीतेंगे, बट उसके कारण किसी को स्ट्रेस हो जाए या कोई उस प्रॉब्लम में फंस जाए ये बहुत खतरनाक हो सकता है। इससे बचने का उपाय यही है कि स्ट्रेस फ्री रखना है, जहाँ तक जो कारण है नींद नहीं आने के उनको ट्रैक करना है, डॉक्टर से मिलना है, बात करना है, और दवाइयाँ भी ले सकते हैं और साथ में अपना कंसल्टेशन करा के ओवरऑल दूसरी चीज़ों को भी ट्रेस करके उनको ठीक किया जा सकता है। डॉक्टर नितिन, आपके संस्थान यानी बैद्यनाथ लाइफ साइंसेस के बारे में भी जानना चाहेंगे, किस तरह से आपका वर्किंग प्रोसेस रहता है, क्या कौन सी सुविधाएं हैं आयुर्वेद में, क्या कुछ आप करते हैं, आपके संस्थान के बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे। देखिए, हमारा जो पंचकर्मा सेंटर है और एक नेचुरल स्पा में हम काम करते हैं, जहाँ पे सारी केरलियन फैसिलिटीज़ हैं, केरलियन मसाजेस हैं, और सारा ट्रीटमेंट हम पूरी बॉडी का करते हैं, हर डिसीज़ का ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें ओबेसिटी है, डाइजेशन है, पेन है या इनफर्टिलिटी है, उसके साथ साथ और भी जैसे बॉडी में जैसे घुटने के दर्द हैं, कमर के दर्द हैं,
या आपको पीठ का दर्द अभी बहुत होता है, उसके साथ साथ आपको स्किन के डिसऑर्डर्स हैं, या जो भी और भी जितने भी प्रकार के ट्रीटमेंट्स हैं, हम सारा लगभग यहाँ पर ट्रीटमेंट करते हैं। हमारे पास एक सुसज्जित अच्छा पंचकर्मा सेटअप है, जिसमें हमारे पास प्रॉपर रूम है, वहाँ पे हम डे केयर सर्विसेज देते हैं। हमारे पास सुसज्जित ट्रेंड थेरेपिस्ट हैं, उसके साथ साथ हमारे पास ट्रेंड डॉक्टर्स की टीम है, जो हम प्रॉपर डायग्नोस करते हैं। हमारे यहाँ पहले नाड़ी परीक्षा करते हैं, हर पेशेंट का नाड़ी परीक्षा करते हैं, उसके साथ साथ हम वहाँ पे प्रकृति परीक्षण करते हैं, पूरे अच्छे तरीके से डायग्नोसिस करके उसके बाद हम उसको कस्टमाइज मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं और कस्टमाइज उसको ट्रीटमेंट देते हैं, जिससे कि पेशेंट हमारे यहाँ से ठीक होके जाए। हमारा एम सिर्फ यही है कि हम लोगों को ठीक करें, सही गाइडेंस दें, जिससे कम्युनिटी में आयुर्वेद के प्रति भरोसा बढ़े और आयुर्वेद उनको ठीक करे, क्योंकि आयुर्वेद में इतनी कैपेसिटी है, आयुर्वेद में इतना बड़ा बल है कि वो सारी डिसीजों को ठीक कर सकता है। बस ये है कि हम लोगों को, ये लोगों तक पहुँचे, लोगों को बताएं कि हम आयुर्वेद से आपको ठीक कर सकते हैं और आयुर्वेद आपको ठीक कर सकता है, क्योंकि लोग हम तक पहुंचने में बहुत हेजिटेट करते हैं, समझ नहीं आता लोगों को कि कैसे आयुर्वेद के पास जाना, कहाँ जाना, किस कैसी दवाइयाँ लेना। तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप अच्छा कंसल्टेंट सेलेक्ट करिए, अच्छे ब्रांडेड या कंपनी की अच्छी रजिस्टर्ड उत्तम क्वालिटी की दवाइयाँ खाइए, उसके बाद आपको ठीक होने में समय बिल्कुल नहीं लगेगा। आयुर्वेद एक ऐसा माध्यम है, और आज के समय में इस पूरे सिनेरियो में आयुर्वेद एक बहुत उभर के आया है और आपको न सिर्फ बचा सकता है अपितु आपके होने वाले संक्रमण को भी रोक सकता है। बिल्कुल डॉक्टर नितिन, अगर बात करें हम इम्यूनिटी की, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए जिंक और विटामिन सी लेने की सलाह डॉक्टर द्वारा दी जा रही है, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में इम्यूनिटी पर जोर दिया जा रहा है। लेकिन अगर आयुर्वेद में बात की जाए, तो क्या आयुर्वेद में इनका कोई सप्लीमेंट है जो इनकी कमी को दूर कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। विटामिन सी जो है हमारे पास आयुर्वेद में बहुत सारे ऐसे जो मेडिसिन हैं, सिंगल मेडिसिन है जो आपको उसकी कमी को दूर कर सकते हैं। उसमें सबसे अच्छा बड़ा जो मेडिसिन है वो आंवला, आंवले से बनी चीज़ें आप खा सकते हैं, आंवले का मुरब्बा खा सकते हैं, आंवले का च्यवनप्राश खा सकते हैं। और जिंक के लिए आप यशद भस्म आयुर्वेद में बहुत बताई गई है, बहुत फेमस है कि हम यशद भस्म खाने से जिंक का जो कमी है वो दूर हो जाती है। इसके साथ साथ आजकल बहुत सारे च्यवनप्राश, मतलब एक च्यवनप्राश ही ऐसा आ रहा है जिसमें जिंक है, आप उसका उपयोग भी कर सकते हैं। च्यवन योग करके एक च्यवनप्राश है जिसमें जिंक ही मिलाया गया, तो आप वो च्यवनप्राश भी खा सकते हैं, जिससे आपकी जिंक की कमी भी दूरी हो जाएगी, आपको विटामिन सी भी मिल जाएगा प्रॉपर। इसके अलावा आप आंवले का जूस ले सकते हैं, इसके अलावा फ्रूट्स खा सकते हैं जो नेचुरली आपके विटामिन सी लेवल को बढ़ा के रखेगा, जैसे कि आप संतरा ले सकते हैं, ऑरेंजेस ले सकते हैं, आप मौसम्बी ले सकते हैं, जितने भी खट्टे फल्स हैं आपको विटामिन सी का अच्छा सोर्सेज मिल जाएगा। नींबू है, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके इम्यूनिटी को बढ़ाएंगी और आपको स्वस्थ रखेंगे। बिल्कुल डॉक्टर नितिन, अगर बात की जाए आयुर्वेद की, तो ऐसा कहा जाता है कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेने से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, तो जो लोग कॉमोरबिडिटी से ग्रसित रोगी हैं, उनको आयुर्वेदिक औषधियों का प्रयोग वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इस मिथ को आप दूर करें। देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया कि आयुर्वेदिक दवाइयों को अगर कोमॉर्बिड है तो उनको पहले अपनी जो जितने भी पैरामीटर्स हैं, जैसे शुगर के जो पेशेंट्स हैं उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए, जो किडनी के पेशेंट्स हैं उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो साइड इफेक्ट भी कर देती हैं, बहुत सारी दवाइयाँ जो शुगर लेवल्स को बढ़ा सकती हैं, बहुत सारी ऐसा, जैसे आपको देखा होगा किडनी के रोगियों को आपको जो ड्रिंक है, पानी जो है वो लेने के लिए एक लिमिट बताई जाती है कि आप 1 लीटर ही पीजिए, 2 लीटर मत पीजिए, तो उससे आपकी किडनी का जो लोड है वो कम करने की कोशिश की जाती है। पर आयुर्वेद में ऐसी लिक्विड्स हैं वो आपको अवॉइड करने चाहिए, ऐसे शुगर के पेशेंट जो है उनको भी जहाँ तक हो सकता है ऐसे काढ़ों से बचना चाहिए, जो या डॉक्टर को भी ऐसा सजेस्ट करने से बचना चाहिए जो उनके शुगर लेवल्स को बढ़ा सकता है। इसके लिए प्रॉपर इंडिकेशंस हैं, इसके प्रॉपरली गाइडलाइंस बताई गई हैं, उनको हमको फॉलो करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे हार्ट्स के पेशेंट्स हैं, उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि हम उनको कैसी, कौन सी दवाइयाँ दे सकते हैं और कौन सी उनकी उनको रोगों को बढ़ा सकती है। तो इसमें बहुत अच्छा है कि हम ध्यान रख के दवाई दें, हर दवाई हर किसी पेशेंट के लिए नहीं है, उसको प्रॉपर डायग्नोस करिए, उसकी कोमॉर्बिडिटी को ध्यान में रखिए और फिर उसको सजेस्ट करिए। उसके साथ साथ बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं जो सबको नहीं दे सकते, आजकल बहुत सारे साइड इफेक्ट भी लोगों को रहते हैं, जैसे कि बहुत कॉमन साइड इफेक्ट है सल्फर का साइड इफेक्ट, बहुत सारे लोग सल्फर के साइड इफेक्ट से ग्रसित रहते हैं, कुछ आयुर्वेदिक दवाइयों में सल्फर होता है, तो ये पूछ के आप उनको प्रोवाइड प्रिस्क्राइब करिए कि ये दवाइयाँ आपको है प्रॉब्लम तो दें कि ना दें, ये डॉक्टर का एक्सपर्ट है इसमें कि वो अच्छे से गाइड करे, अच्छे से डायग्नोस करे और फिर सलाह ले, तो
तो कोमॉर्बिडिटी के साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि आप वही दवाइयाँ दें जो उनकी एग्जिस्टेंस, मतलब एग्जिस्ट जो मेडिसिन, एग्जिस्ट जो जो डिसीज़ है उसको अफेक्ट ना करे, उसको बढ़ाए ना, उसको कम करे। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी मेडिसिन भी हैं जो कोमॉर्बिडिटी में बहुत फ़ायदा करती है, जो जैसे कि बसंत कुसुमाकर रस है, अश्वगंधा रिस्ट है, ये बहुत अच्छे जो है, सरस्वती रिस्ट है, ये बहुत अच्छा फ़ायदा करती है कोमॉर्बिडिटी के पेशेंट्स को। तो ये ध्यान रख के देना चाहिए, बहुत ज़्यादा बिना सोचे समझे या बिना डायग्नोस किए ये नहीं देनी चाहिए। डॉक्टर नितिन, इसी बीच हमारी एक कॉलर जुड़ गई हैं भोपाल से, पारुल जी। पारुल, आप सवाल कर सकती हैं डॉक्टर नितिन से। हेलो सर। हेलो। हेलो, हाँ, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। मेरा आपसे ये सवाल था, एक्चुअली सर मेरे अभी कुछ टाइम पहले डिलीवरी हुई है, मेरा एक 4 मंथ का बेबी है, तो सर मुझे किन किन चीज़ों का प्रिवेंशन करना चाहिए, और जैसे कुछ मेडिसिन होती हैं अश्वगंधा, और अश्वगंधा है, कुमार कल्याणस वगैरह, तो मुझे किन किन चीज़ों को लेना चाहिए, और मेरे हस्बैंड डायबिटिक है सर, तो उन्हें किन किन चीज़ों को लेना चाहिए कोविड से बचने के लिए? आप डायबिटिक हैं? मेरे हस्बैंड डायबिटिक है सर, और मेरी आफ्टर डिलीवरी, मतलब एक 4 मंथ का बेबी, मैं बेबी फीड करवा रही हूँ, तो मुझे बहुत चीज़ें, मैं ऐसे सोचती हूँ कि कौन सी चीज़ें खाऊं ना खाऊं, आपके बैद्यनाथ की दवाइयाँ हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं, तो मुझे चीज़ें समझ में नहीं आ रही कि बच्चे पे असर होगा नहीं होगा, और बच्चे थोड़ा बहुत जल्दी, उनकी इम्यूनिटी वीक है, तो हम लोग क्या, मतलब कैसे, क्या क्या चीज़ें हम लोग को यूज़ करनी चाहिए? देखिए, आप सबसे पहले तो अपनी स्वयं की पहले इम्यूनिटी बढ़ाइए, क्योंकि आप फीड करा रहे हैं तो आपकी हेल्थ अच्छी रहना चाहिए, जिससे आपको फीड अच्छा है, आप बच्चे को अच्छा न्यूट्रिशन दें। उसके लिए आप दशमुला रिस का उपयोग करिए, रेगुलर दशमुला रिस लेते रहिए, साथ में आप शतावरी कल्प आता है या शतावरी ग्रेन्यूल्स आता है बैद्यनाथ का, वो यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपका जो फीडिंग का परसेंटेज है या मिल्क का प्रोडक्शन अच्छा होगा। इसके अलावा और भी जो अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आपको है तो उसके हिसाब से आप दवाइयों को ले सकते हैं। अगर आपको हाथ पैर में दर्द हो रहा है या तकलीफें कुछ हो रही है तो आपको कंसल्टेंट को दिखा के दवाई ले सकते हैं, पर आप दशमुला रिस और शतावरी कल्प आप रेगुलर बेसिस पे इसको चार्ज कर सकते हैं, 3 महीना लगातार इसको लीजिए, आपको अच्छा फायदा होगा। साथ में आपके बच्चे के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी वो छोटा है तो बहुत सारी मेडिसिन तो हम उसको नहीं दे सकते, बट आप उसका स्वर्ण प्राशन, तो डॉक्टर नितिन अवस्थी ने जिस तरह से बताया कि किस तरह से पारुल आप जो भी प्रिकॉशंस हैं वो ले सकती हैं, और उन्होंने जो चीज़ें आपको बताई हैं उनका आप ज़रूर पालन करें। अगर बात की जाए आयुर्वेद की, तो जिस तरह से आयुर्वेद में लगातार चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, और रिकवरी रेट अगर बात की जाए पोस्ट कोविड, तो डॉक्टर नितिन आपसे जानना चाहेंगे कि पोस्ट कोविड रिकवरी में योग एवं प्राणायाम का क्या योगदान है और ये कितने कारगर हैं? देखिए, योग एक बहुत अच्छा तरीका है आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि आपकी बॉडी में अगर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, आपकी सेल्स जो हैं वो उसकी ग्रोथ होगी, तो इम्यूनिटी अपने आप बढ़ेगी। इसके लिए योग एक अच्छा माध्यम है, योग हर व्यक्ति को रोज करना चाहिए, जिससे आपकी इंटरनल इम्यूनिटी बढ़ती है। अब उसके लिए मैं आपको बहुत सारे कुछ ऐसे तरीके बताता हूँ, बहुत कुछ योग बताता हूँ जो आप सरलता से अपने घर पर कर सकते हैं, जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। जैसे आपको बैठ के कोई आसन करना है तो आप पद्मासन में बैठिए, सुखासन में बैठिए, वज्रासन में बैठ सकते हैं, पश्चिमोत्तासन कर सकते हैं। लेट के आपको एक्सरसाइज करनी है तो आप पवन मुक्तासन कर सकते हैं, हलासन कर सकते हैं। अगर आप इसके अलावा आप सूर्य नमस्कार जो है वो किंग ऑफ एक्सरसाइज है, इसको आप हर व्यक्ति को करना चाहिए और रेगुलर इसके रिपीटेशंस करना चाहिए, कम से कम 5 और अधिक। बिल्कुल, तो एक तरह से कहा जाए कि जिस तरह से औषधियों का उपयोग डॉक्टर नितिन ने बताया है, और डॉक्टर नितिन आपसे जानना चाहेंगे कि अगर आयुर्वेद औषधियां हैं उनका उपयोग कब और कैसे किया जाना चाहिए, और हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देंगे? देखिए, आयुर्वेदिक औषधियों का जो उपयोग है वो डॉक्टर की सलाह पर लेना चाहिए कंपल्सरीली, अपने मन से वो दवाइयाँ अपने हिसाब से दवाइयाँ किसी कहने की दवाइयाँ पर नहीं लेना चाहिए, प्रॉपर डॉक्टर की सलाह लेके डॉक्टर के गाइडेंस के हिसाब से लेना चाहिए, जैसा डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। उनके पर्टिकुलर टाइमिंग्स हैं, जैसे आप एलोपैथिक दवाइयों का टाइमिंग्स होता है वैसा ही आयुर्वेदिक दवाइयों का भी टाइमिंग्स है। आयुर्वेदिक बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं, भस्में हैं, बहुत सारी मेडिसिन हैं जो आपको नुकसान पहुँचा सकती है, जो आपको किसी प्रकार के कॉम्प्लिकेशन में डाल सकती है, तो बहुत ध्यान से सोच समझ के अपने डॉक्टर से पूछ के ही दवाइयों का उपयोग करना चाहिए, जाके फार्मेसी से खरीद के दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हर आयुर्वेदिक दवाई में पोटेंसी होती है, जैसे एलोपैथी दवाइयों में होती है, उस पोटेंसी का कम ज़्यादा होना आपकी बॉडी को अफेक्ट कर सकता है।
तो टैबलेट का इस्तेमाल कब करना है वो डॉक्टर डिसाइड करेंगे आपकी हेल्थ को, आपकी बीमारी को देख के। ऐसे ही कुछ काढ़े हैं जो किसी बीमारी में लेना है, किस बीमारी में नहीं लेना है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो उस हिसाब से उनको लेना चाहिए। बहुत सारी भस्मों का उपयोग है, बहुत सारे पाउडर्स हैं, बहुत सारे ऑयल्स हैं, इनका भी उपयोग सर्टेन टाइम में, सर्टेन पीरियड में, हर हर किसी को अलग अलग हो सकता है। हर रोगी एक सा नहीं है। आपको कोई बीमारी है वो दूसरे को नहीं हो सकती, आपकी प्रकृति दूसरे की नहीं हो सकती। हर किसी की प्रकृति अलग है, हर किसी का शरीर अलग है, आपकी बीमारी की प्रकृति अलग है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमको हर किसी को, जो भी हमसे कंसल्ट में आता है या हम किसी को हम बताते हैं, तो वो पूछ के लेनी चाहिए। आजकल बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे अपने ग्रुप पे देखते हैं मैसेज कि ये दवाइयाँ खाने से ऐसा होगा, ये दवाइयाँ खाने से ऐसा, बिल्कुल मत करिए, ये आपको नुकसान पहुँचा सकता है। बेस्ट है अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, वो जैसा आपको सजेस्ट करते हैं वैसे दवाइयाँ लीजिए। डॉक्टर नितिन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और ये बताने के लिए कि किस तरह से आयुर्वेद की जो औषधियां हैं उनके उनका हम इस्तेमाल करके किस तरह से इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं और कोविड में किस तरह से उपचार कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई स्वास्थ्य संबंधी समस्या को लेकर, साथ ही बताएंगे उसके उपाय। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।